हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज हफ्ते का दूसरा दिन और निफ्टी ने फिर एक बार लाइफ टाइम हाई लगा दिया है, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया 24,236 पे, और वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। नीचे आया, ब्रेकडाउन लेवल ये ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, फर्स्ट टारगेट के पास इसने सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ, ब्रेकआउट लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस किया, फिर दोबारा से नीचे आया, ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट अचीव हुआ, सेकंड टारगेट के लेवल पे ही इसने सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ आके क्लोज हुआ। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसने कल का लो नहीं ब्रेक किया है, कल के लो के ऊपर ही इसने क्लोज दिया है। जस्ट अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखे निफ्टी का तो सिर्फ 18 पॉइंट की गिरावट है, तो लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद भी आज 18 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली है। अभी कल के लिए के एंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं निफ्टी में, इसके लिए 60 मिनट के चार्ट को एनालिसिस करेंगे। यह है 60 मिनट का चार्ट। फिर से एक बार इस पिंक लाइन ने आज यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सपोर्ट का काम किया है, तो जब तक ये पिंक लाइन के ऊपर है हम मान के चल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में फिर एक बार निफ्टी अप ट्रेंड में ही हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये पिंक लाइन को तोड़ देता है 60 मिनट के चार्ट में तो हमें शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा इस पिंक लाइन के जस्ट नीचे 24,077, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर बनेगा अराउंड 24,055, सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 24,032, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ऊपर की तरफ हमारा ब्रेकआउट लेवल बनेगा अराउंड 24,150, फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 24,170 का और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 24,191 का। तो यह है निफ्टी के लेवल्स कल के लिए। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी पर भी आप देख सकते हैं सेकेंड टारगेट के पास ही एग्जैक्टली ओपन हुआ था बैंक निफ्टी, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट इजीली अचीव हुए। ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था तभी सेकेंड टारगेट फर्स्ट टारगेट के लेवल ने रेजिस्टेंस का काम किया और दोबारा से नीचे आया, सेकेंड टारगेट के भी नीचे आके ये क्लोज हुआ। तो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में जो लेवल्स हमने मार्क किए थे अच्छे से काम करते हुए नजर आए। अभी चलते हैं 60 मिनट के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी का 60 मिनट का चार्ट देखे तो यहाँ पर इसने आज शॉर्ट टर्म और मिड टर्म दोनों मूविंग एवरेजेस को तोड़ के नीचे क्लोज दिया है, तो यानी हो सकता है यहाँ पर हमें एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिले, क्योंकि जब भी ये मूविंग एवरेजेस के बीच में चला जाता है तो इंडेक्स हो या फिर निफ्टी हो, ये हमें साइडवेज में ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है। तो कल के लिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल होगा ये अराउंड होगा आज के लो के जस्ट नीचे 51,983, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट होगा 51,916, सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 51,834, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अभी ऊपर की तरफ हमारा ब्रेकआउट लेवल बनेगा, पहला रेजिस्टेंस तो ये ब्लू लाइन का होगा, आप देख सकते हैं ब्लू लाइन तोड़ने के बाद ऊपर जाते वक्त 1-2-3 घंटा इसने ब्लू लाइन को एज ए रेजिस्टेंस फेस किया यहाँ पर, तो ब्लू लाइन के जस्ट ऊपर ही हमारा होगा ब्रेकआउट लेवल अराउंड 52,253, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 52,303 और सेकेंड टारगेट होगा पिंक लाइन के जस्ट नीचे 52,364, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो यह है निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।